स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में जो आपके कठिन वर्ड हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे आपको लिखना हो फुहारा है ना, या फिर आपको हल्ला लिखना है, या फिर आपको परिषद लिखना है, या फिर आपको पार्टी लिखना है, इस तरीके से जो शब्द हैं वो कैसे हम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन से जो वर्ड हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ड पैड खोल लेना होगा। क्या खोल लेना होगा? वर्ड पैड खोल लेना होगा यहाँ पे इंग्लिश में, वर्ड पैड, ना कि आपको एमएस वर्ड खोलना है, वर्ड पैड खोलना है। क्योंकि वर्ड पैड में क्या होते हैं, जो आपके आधे अक्षर होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो एमएस ऑफिस होता है उस पर आपके आधे वर्ड नहीं बनते हैं और वहां पे केवल मात्राएं नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिससे हमें कोई शब्द आधा लिखना है तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको मान लीजिए हमने क्या जो है क्या लिखना है, तो का हमने प्रेस कर दिया, का लिख दिया, और फिर हम हलंत दबाते हैं। हलंत किससे दबेगा? आपका डी से, डी से। तो इसका मतलब है आपका जो का है वो हाफ हो गया, आधा हो गया है। अब हमें सिंपली या दबा देना है और आखिर मात्र, तो ये लिख गया क्या। अब जिसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि परंतु कैसे लिखा जाएगा, तो पा किससे टाइप होगा, तो पा आपका होगा एच से, फिर आपका रा होगा, फिर आपका न होगा, और फिर ना को आधा करना है, और फिर आपको क्या लिखना है, ता लिखना है, और फिर ऊ की मात्रा लगाना है, तो ये हो जाएगा परंतु हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे आपको लिखना है विद्या लिखना है, तो आपको कैसे विद्या लिखना है, तो आपको पहले क्या दबाना है, पहले आपको बी दबा देना है, उसके बाद आपको ई की मात्रा लगा देना है, फिर आपको ओ दबाना है, ओ दबाने के बाद डी दबाना है, और आपको या दबा देना है, और फिर आपको मात्रा लिख देना है, विद्या बन गया, या फिर विद्यालय लिखो, या फिर विद्यार्थी लिखो, कोई भी शब्द लिखो, आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो। अगर हम बात करें कि उद्देश्य लिखना है तो उद्देश्य भी इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, शिफ्ट इधर रखेंगे और उ दबाएंगे, फिर इसके बाद हम इसका मतलब जी दबाएंगे, फिर हमें क्या लिखना है, द लिखना है, तो द किससे होगा, ओ से होगा, और फिर आधा करेंगे और फिर से द लिखेंगे, फिर से द लिखेंगे, और फिर हम एस दबाएंगे यानी कि ए की मात्रा, फिर शिफ्ट के साथ हम एम प्रेस करेंगे और डी दबाएंगे, और हम यहाँ पे क्या प्रेस कर देंगे, हम क्वेश्चन मार्क प्रेस कर देंगे, तो हमारा क्या लिख गया, उद्देश्य लिख गया। इस तरीके से हमें जैसे भंडारण लिखना है तो भंडारण कैसे लिखना होगा, शिफ्ट के साथ हमें वाई दबाना होगा, यहाँ पे आप देखते रहिए शिफ्ट के साथ वाई दबाना है, उसके बाद हमें शिफ्ट के साथ क्या दबाना है, तो हमें सी दबाना है, सी दबाने के बाद हमें क्या दबा देना है, डी दबा देना है, इसका मतलब हमें ड को आधा कर लेना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डा दबाना है, उसके बाद फिर हमें आ की मात्रा ई से लगा देना है, और उसके बाद फिर से रा दबाना है, रा दबाने के बाद शिफ्ट के साथ आपको सी दबा देना, तो हो जाएगा भंडारण हो जाएगा। आगे बात करें तो आगे जिसे आपको लिखना है उपभोगता लिखना है, क्या लिखना है, उपभोगता लिखना है, तो शिफ्ट के साथ आपको क्या दबाना है, जी दबाना है, उसके बाद आपको एच दबा देना है, उसके बाद उपभोगता है ना, क्या लिखना है, उपभोगता लिखना है, उसके बाद आपको भा दबाना है। ठीक, भा कैसे, तो शिफ्ट के साथ आपको क्या दबाना है, वाई दबाना है, उसके बाद आपको ए दबा देना है, ठीक, उसके बाद आपको का दबाना है, का दबाने के बाद आपको इसको आधा कर देना है, और फिर हमें क्या कर देना है, ता कर देना है, और यहाँ पे मात्रा लगा देना है, तो हमारा हो जाएगा उपभोगता हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें उत्पादन की बात करें, या फिर हम बात करें कि प्रत्येक की बात करें, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि प्रत्येक कैसे लिखेंगे, तो प्रत्येक हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका प्रत्येक लिख गया। तो कैसे लिखेगा, तो सबसे पहले हम एच दबाते हैं, फिर शिफ्ट के साथ थ्री दबाते हैं, फिर हमें एल दबाना है, फिर हमें डी दबाना है, और फिर हमें या दबाना है यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, और फिर एस दबाना है, और फिर हमें का लिख देना है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप हाफ वर्ड को लिख सकते हैं। अगर हमको पार्टी लिखना है ना, हमको पार्टी लिखना है, तो पार्टी कैसे लिखेंगे, ये पार्टी हो गया, कैसे पार्टी लिखेंगे, पहले हम एच दबाएंगे, फिर हम एक ई दबाएंगे यानी कि आ की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, आधारा, आधारा आप शिफ्ट के साथ किससे दबा सकते हो, आधारा बनाने के लिए आप शिफ्ट के साथ फोर दबा सकते हो, और सीधे पार्टी लिख सकते हो, दो तरीके से आप पार्टी लिख सकते हो। पहली बार में आप पार्टी इस तरीके से लिखोगे, पी दबाओगे, फिर सॉरी एच दबाओगे, और फिर आप ई दबाओगे, फिर उसके बाद आप
रा को आधा करोगे फिर आप यहां से टी दबा दोगे, है ना। तो पार्टी लिख दिया, या फिर आप इस तरीके से करोगे, आप पा लिखोगे, इसका मतलब आप एच दबाओगे, ई दबाओगे, और उसके बाद शिफ्ट के साथ आप एफ जो है फोर दबा दीजिए और आप सीधे टी और आई लिख दीजिए, तो पार्टी आपने लिख दिया। तो दो प्रकार से आप आधा रा को बना सकते हैं। तो जिसकी आदत जिस मतलब बटन से पड़ जाती है वैसे ही आप टाइप कर